महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन खास करके भोलेनाथ के भक्त जो इस मंत्र के जाप से होने वाले फायदों को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि आखिर इस शक्तिशाली मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? हम जानते हैं आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भोलेनाथ के इस महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। एक ऋषि थे जिनका नाम था मृकंड, जो कि भगवान शिव शंकर के अनन्य भक्त थे। वो उनकी बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना किया करते थे। असल में उन्हें कोई संतान थी ही नहीं। वो जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर उन पर प्रसन्न हो गए तो उन्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। यही मन में विचार कर उन्होंने शिव जी को खुश करने के लिए घोर तपस्या की और जो वो चाहते थे वैसा ही हुआ। भगवान शिव शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने मृकंड को वरदान मांगने के लिए कहा तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत जाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे डाला, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि इस खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। मृकंड ऋषि ने फिर भी उनके वरदान को स्वीकार किया। भोले शंकर के वरदान से ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका उन्होंने मार्कंडेय नाम रखा। ज्योतिषियों ने जब इस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने ऋषि और उनकी पत्नी को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, यानी इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। इतना सुनते ही ऋषि की खुशी दुख में बदल गई। उन्होंने धैर्य रखते हुए अपनी पत्नी को समझाया कि जिस भोलेनाथ ने हमें इन्हें वरदान के रूप में भेंट किया है वही इसकी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की शिक्षा ग्रहण की। एक दिन उनकी माता ने दुखी होकर अपने पुत्र को बता दिया कि वे अल्पायु हैं। जब मार्कंडेय ऋषि को ये पता चला तो उन्होंने मन ही मन ये प्रण कर लिया कि वे अपने माता पिता की खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का पाठ करने लगे। मार्कंडेय काफ़ी विद्वान और प्रतिभाशाली बालक थे। वह रोजाना महादेव की पूजा किया करते थे। उन्होंने जिस मंत्र की रचना की थी उसी मंत्र से महादेव की पूजा किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वो समय आ गया जब यमदूतों को उनके प्राण लेने के लिए उनके पास आना पड़ा। लेकिन उस समय मार्कंडेय महादेव की पूजा कर रहे थे। यमदूत वहाँ पर आए लेकिन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए और निराश होकर वापस लौट गए। वापस लौटकर यमदूतों ने यमराज से सारी घटना बताई। उन्होंने बताया कि वह बालक काफ़ी तेजस्वी है और महादेव की पूजा में लीन था। हम वहां पर गए लेकिन उसके तेज की वजह से हम उसके प्राण हरने में नाकाम रहे। वह बालक हमें कोई साधारण बालक नहीं लगता है। इस पर यमराज को क्रोध आ गया और कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा और उसे लाने के लिए निकल पड़े। जब यमराज मार्कंडेय के पास पहुँचे तो वह बालक जिस मंत्र की रचना किया था वही मंत्र जोर जोर से जाप करते हुए शिवलिंग को पकड़ लिया। यमराज ने उसे शिवलिंग से खींच कर ले जाने की कोशिश की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का साहस कैसे किया? महादेव के क्रोध को देखकर यमराज डर गए। यमराज महादेव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, आप ही के आदेश पर मैं जीवों के प्राण को हरता हूँ, ये हक आपने मुझे दिया हुआ है। इतना सुनते ही महादेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और बोले कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यम ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मार्कंडेय ने जिस श्लोक जिस मंत्र की रचना की थी वही मंत्र आगे चल के महामृत्युंजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जाते जाते यमराज ने महादेव के सामने ये भी कहा कि जो भी भक्त इस मंत्र का जाप करेगा वो उसको कभी त्रास नहीं करेंगे। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना कर डाली जिसका पाठ करने मात्र से ही काल तक को भी हराया जा सकता है।